सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्सर है, आप डेस्कटॉप पर देख रहे होंगे मेरे कर्सर को, यहाँ पे ब्लू कलर के कर्सर में B2D लिखा हुआ है, इस तरीके से अपना कस्टमाइज कर्सर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सपोज आपको अपने नाम का, अपनी फोटो का कर्सर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको टूल की जरूरत होगी फोटोशॉप की। अगर आप पेंट यूज करने में एक्सपर्ट हैं तो आप पेंट का भी यूज ले सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, Ctrl+N बटन दबाना है फोटोशॉप में जाने के बाद, और यहाँ पर आपको एक न्यू कैनवास ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को B2D लिखा आ रहा है, यानी कि बस टुडे। ठीक है, यहाँ पर विड्थ हम इसकी डिसाइड कर देते हैं 32 और हाइट भी इसकी डिसाइड कर देते हैं हम 32। ठीक है, 32x32 पिक्सल का हमें एक स्क्वायर शेप आइकन हमें क्रिएट करना है। ओके बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 32x32 का हमारे पास यहाँ पे कैनवास ओपन हो गया है। इसको Ctrl+ के साथ हम इसको जूम इन कर देंगे जिससे कि आपको इजीली विजिबल रहे। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर्सर डिजाइन करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लासो टूल का यूज करके यहाँ पे कर्सर डिजाइन करता हूँ, पॉलीगोनल लासो का यूज करके कुछ इस तरीके से। कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरो शेप बनाई और यहाँ से कलर पिकर टूल से कलर यहाँ से चूज किया। सपोज मैं जो इस बार जो कर्सर बनाऊंगा वो ग्रीन कलर का बनाऊंगा, और यहाँ पे हमने कलर चूज कर लिया है। मैं ऑल्ट और डिलीट से इसको ग्रीन कलर दे दूंगा। ठीक है, यानी कि जो सिलेक्टेड एरिया है वो फिल हो जाएगा। तो आप फोटोशॉप से किसी भी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसी तरीके से करें, लेकिन आप अपने किसी भी तरीके से आप कर्सर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्सर हमने डिजाइन कर दिया। सपोज आपको इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे बी, या फिर मैं इस बार लिखता हूं निखिल, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहां से चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, पिक्सल आपको इसलिए फटे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 32x32 का ही पिक्सल है, इसलिए आपको इस तरीके से फ्लैटर्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जब ये आइकन या लोगो बनता है तब ये आपका एकदम परफेक्टली नजर आता है। कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ पे निखिल लिख दिया है, ये आपको विजिबल नहीं है लेकिन जब आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल आने लगेगा इस तरीके से, क्योंकि आइकन है तो आइकन के हिसाब से हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सेट कर देता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो ग्रीन कलर का एरो है उस पर आउटलाइन आए तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके राइट क्लिक करके हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और स्ट्रोक यहां पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रोक हमने अप्लाई कर दिया है इस पर और ओके बटन प्रेस कर देते हैं। इसको जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एरो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको अब आप सेव कर देंगे, डायरेक्ट फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस फाइल को PNG में सेव करना है। ठीक है, एज PNG आप सेव करेंगे और सपोज न्यू एरो या फिर ग्रीन एरो मैं इसका नाम देता हूं और PNG आपको यहां से सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। ठीक है, तो यहां से हमने PNG सिलेक्ट कर लिया है और ग्रीन एरो सिलेक्ट किया, देन सेव कर दिया और ओके कर दिया। तो यहां पे डेस्कटॉप पर हमारे पास ग्रीन एरो नाम की एक PNG फाइल आ गई। अब हमें इसको आइकन फाइल में कन्वर्ट करना है। आइकन फाइल में हालांकि आप फोटोशॉप में प्लगइन का यूज करके भी कर सकते हैं लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम शॉर्ट प्रोसेस यहाँ पे आपको बताते हैं। जस्ट गूगल पे जाके आप ऑनलाइन PNG2ICO सर्च कीजिए, आपके पास यहाँ पे जो भी पहली वेबसाइट आए या फिर जो भी आप वेबसाइट यहाँ से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट उस पर क्लिक कर लेंगे। सपोज मैं पहली ही वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल से आप अपनी जो PNG फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पे मेरी PNG फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ देन ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम अपलोड कर देंगे यहाँ से।
अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका सिलेक्टेड है आईसीओ फॉर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज विस्ता एंड एक्सपी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नीचे कन्वर्ट आईसीओ का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे लिंक आ जाएगा, डाउनलोड योर आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। आपका जो आइकन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप लोकेट कर लेंगे कहाँ पर है। ठीक है, डाउनलोड में आ गया, इसको मैं कट करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारी PNG फाइल है और ये हमारी आइकन फाइल है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन साफ साफ नजर आ रहा है .ICO, ठीक है, इसका .PNG। अगर आपको ये एक्सटेंशन नजर नहीं आ रहे हैं तो आप दिस PC या फिर विंडोज एक्सप्लोरर में इस तरीके से जाएं, यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन आएगा, इस पे आप जाएंगे, देन आपके पास व्यू आएगा, व्यू पे आप जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसको आप अनचेक कर देंगे, आपका ये चेक होगा, इसको आप अनचेक कर देंगे, इसके बाद आपको एक्सटेंशन नजर आने लगेंगे क्योंकि एक्सटेंशन आना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन एरो इसके बाद QNS icon.ICO, ठीक है, इसको आप रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद ICO जो एंड में लिखा हुआ है डॉट के बाद आप उसको कर देंगे CUR। ठीक है, आप चाहें तो इसका नेम जो है वो भी रीनेम कर सकते हैं, सपोज मैंने ग्रीन एरो को रीनेम कर दिया green arrow.cur, ध्यान दीजिएगा CUR, कर्सर एक्सटेंशन यहाँ पर आपको चाहिए और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, कर्सर एक्सटेंशन आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब आप क्या करें, इसको कट करके, इसको हमने कट किया और आप इसको सी ड्राइव में जाके यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज का फोल्डर, विंडोज में आप जाएंगे, विंडोज में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कर्सर, विंडोज में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कर्सर, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कर्सर मिलेगा, कर्सर में जाएंगे, कर्सर में जाने के बाद आप यहाँ पर उस आइकन को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर वो आइकन पेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर वो ग्रीन एरो का आइकन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल में गया, आप जिस भी तरीके से कंट्रोल पैनल में जाना चाहें जा सकते हैं। यहाँ पर आप माउस सर्च कर लेंगे या फिर आप माउस को लोकेट कर लेंगे, आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। माउस सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर सबसे ऊपर माउस आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास पॉइंटर्स आएगा, ऊपर आपके पास इस तरीके से टैप्स आएंगे, बटन्स, पॉइंटर्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर, क्लिक पैड सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंटर आ गया, तो नॉर्मल सेलेक्ट वाला जो हमारा नॉर्मल एरो होता है वो हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ब्राउज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्सर में हमको हमारा ग्रीन एरो मिल जाएगा, इसको हम सर्च कर लेते हैं ग्रीन के नाम से, तो green arrow.cur, इसको हम ओपन कर लेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एरो है वो ग्रीन एरो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एरो है वो ग्रीन कलर का एरो आ गया है, बीच में निखिल लिखा आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर फोटोशॉप में जो कस्टम एरो डिजाइनिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सपोज जैसे कि हमने आउटलाइन दी, तो आउटलाइन एरो में भी इसी तरीके से आ रही है जैसे हमें आइकन में शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कस्टम एरो सेट कर सकते हैं और कस्टम एरो क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको एनिमेटेड एरोज भी क्रिएट करना सिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन और ये ट्रिक आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।